हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमें दोनों मेथड यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करनी है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज में करवाया है, तो यहाँ पे भी मैं आपको फिर से उसको सॉल्व करके बताती हूँ और आप इसका सोल्यूशन मेरे ब्लॉग पे जाके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमिनेशन मैथड को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट में एलिमिनेशन मैथड है। तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन मैथड। अब तक तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। फर्स्ट इक्वेशंस आर, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो आप इसको समझने से, ये एलिमिनेशन मेथड से पहले आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें, ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। वहां मैंने आपको जितने इसकी पॉसिबल मैथ जो भी कंडीशंस इसमें आने वाली थी वो मैंने वहां पे सारी एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव है और यहाँ पे y नेगेटिव है, तो हमें साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे इसका मल्टीपल में 3 है, तो यहाँ भी इसके मल्टीपल में हम क्या कर लेंगे, 3 इसका कॉफिशियंट होगा तभी ये एलिमिनेट होंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीपल करते हैं, तो 3 से हम इसको लेफ्ट में भी मल्टीपल करना है और फिर इसको राइट में भी मल्टीपल करना है। तो आप एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो, वाई को भी एलिमिनेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे वाई को एलिमिनेट कर रही हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 3x प्लस 3 into y 3y, 3 को x से किया 3x आ गया, 3 को y से किया 3y, प्लस साइन एज इट इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 15। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। तो अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम, क्योंकि हमने फर्स्ट को मल्टीपल किया है तो सेकेंड और थर्ड सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, तो ये हम पहले सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। दोनों को एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले से ये 3y नेगेटिव है और ये 3y पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन पहले से ही डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है। तो ये एलिमिनेट हो गए, 3y से 3y कैंसिल, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 19। तो दिस इम्प्लाइज एक्स हमारा कितना हो गया, 19/5 मल्टीपल में, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 19/5। नाउ हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x की वैल्यू को यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हो गया 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। ओके, नाउ हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो दिस इम्प्लाइज वाई को, वेरिएबल को हमेशा हम लेफ्ट में रहने देते हैं और नंबर को एक साइड में लेकर आते हैं, ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। 19/5 इधर आएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ के डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 5। 1 के टेबल में 5 5 टाइम, तो ऊपर 5 से मल्टीपल होगा, तो ये हो गया 5 into 5 25 माइनस 19 एज इट इज। 19 एज इट इज लिए, क्योंकि 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है, तो 19 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 19 रहेगा। तो y इक्वल टू हो गया 25 माइनस 19 हो गया 6, 6/5। तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। आप अगर y को एलिमिनेट, मैंने पहले y एलिमिनेट किया है, आप चाहे तो पहले x भी एलिमिनेट करेंगे कर सकते हैं। अगर आप पहले x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x को एलिमिनेट अगर पहले करेंगे तो उनके क्या होंगे, साइन चेंज। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से, x आ गया 19/5 और y आ गया 6/5। नाउ सेकेंड हमें सब्स्टिट्यूशन मैथड लगाते हैं, या क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हमें सब्स्टिट्यूशन मैथड से भी सॉल्व करना है। ये हमने यहाँ पे पुट किया बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड।
ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में से हमें एक इक्वेशन में से वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट करनी होती है, तो हम फर्स्ट से फाइंड करते हैं क्योंकि फर्स्ट में एक्स और वाई का कॉफिशियंट 1 है. तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. एक्स कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा. नाउ इस वैल्यू को हम सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2. वी हैव 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू 4. तो यहाँ पे x की जगह हमने 5 माइनस वाई पुट कर दिया और माइनस 3 वाई इक्वल टू 4 एज इट इज. ओनली x की जगह वैल्यू पुट किया ताकि ये सिंगल वेरिएबल में आ जाए. अभी पूरी इक्वेशन y वेरिएबल में आ गई है. नाउ मल्टीपल 2 इंटू 5 10 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई 2y, फिर माइनस 3y इक्वल टू 4. नाउ नंबर को सेपरेट कर लेते हैं, नंबर को हम ट्रांसफर कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 10, प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा. नाउ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5y. लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव आएगा. और 4 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, लेकिन साइन 10 का बड़ा है तो यहाँ पे साइन 10 का आएगा, माइनस साइन आएगा. तो वाई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 5 मल्टीपल में, तो यहाँ डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल. तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, 6/5. तो आप चाहे सब्सटीट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, आंसर आपका सेम ही आएगा. ओके, नाउ सब्सटीट्यूट करेंगे ये इक्वेशन, इसको हम 4 ले लेते हैं. तो ये सब्सटीट्यूटिंग अगेन, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 4. तो ये रही हमारी इक्वेशन 4. तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस 6/5. नाउ एलसीएम ले लेते हैं. x इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम 5. 1 के टेबल में 5 5 टाइम आता है तो यहाँ 5 से मल्टीपल करेंगे. तो 5 इंटू 5 25. 5 के टेबल में 5 1 टाइम तो यहाँ 1 से मल्टीपल करेंगे. ये आ गया. तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 25 माइनस 6 19/5. तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5. चाहे हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, देखो आंसर सेम आ रहा है. यहाँ 19/5 है एक्स, यहाँ भी एक्स 19/5 है, यहाँ वाई 6/5 है, तो यहाँ पे भी वाई 6/5 है. तो बस अब हमें यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है. यहाँ पे हैंस एक्स इक्वल टू, हैंस x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. तो आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा. अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले. थैंक यू.